हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो गाइज, मैं गया था कश्मीर लास्ट ईयर अपने फैमिली के साथ और हमारा जो ट्रिप था वो बहुत ही बढ़िया जो है वो ट्रिप गया था। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना कश्मीर का ट्रिप प्लान कर सकते हो, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कश्मीर में आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, होटल वगैरह के कश्मीर में क्या क्या ऑप्शन हैं, फूड के कश्मीर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, बेस्ट टाइम कौन सा होगा कश्मीर जाने के लिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर घूमने में कितना बजट आएगा। तो ये वीडियो फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो आप लोग कॉफी का मग वगैरह लेके अपने साथ बैठ जाओ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे मैंने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप लोग इजीली कश्मीर का ट्रिप प्लान कर लोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर जो है वो हेवन ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है, और ये आपको रियलाइज होगा जब आप कश्मीर जाओगे, वहाँ की आप लोग वादियाँ देखोगे और आप जब वहाँ के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूज़ देखोगे तो आपको भी रियलाइजेशन होगा कि अगर कश्मीर को हेवन ऑफ अर्थ कहते हैं तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। दिल्ली से जो कश्मीर का डिस्टेंस है वो है अराउंड 850 किलोमीटर, और अगर बात करें जम्मू की तो जम्मू से कश्मीर का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। तो आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से कश्मीर आने का प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कश्मीर पहुँचने का वो है बाय एयर। कश्मीर का जो एयरपोर्ट है वो श्रीनगर में है, और एयरपोर्ट से जो डल लेक का डिस्टेंस है वो है अराउंड 20 किलोमीटर। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो वहां से आप लोग टैक्सी लेके एक घंटे के अंदर अंदर आप लोग डल लेक पहुंच जाओगे। और कश्मीर जाने के लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाय ट्रेन, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप लोग डायरेक्ट ट्रेन से कश्मीर नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी रेलवे ट्रैक्स नहीं है। तो इस केस में आपके पास टोटल 3 स्टेशन हैं जहाँ पे आप उतर सकते हो, जैसे कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन और उधमपुर रेलवे स्टेशन। जम्मू से जो श्रीनगर का डिस्टेंस है वो है अराउंड 268 किलोमीटर, कटरा से जो श्रीनगर का डिस्टेंस है वो है अराउंड 240 किलोमीटर, उधमपुर से जो श्रीनगर का डिस्टेंस है वो है अराउंड 201 किलोमीटर। तो इन तीनों स्टेशन में से जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो है उधमपुर, लेकिन कई बार आपको डायरेक्ट उधमपुर के लिए ट्रेन नहीं मिलेगी, तो उस केस में आप लोग फिर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतर सकते हो और जम्मू से फिर आप बस पकड़ के और आप लोग कश्मीर पहुंच सकते हो। अगर आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे हो तो आपके लिए जो फिजिबल रेलवे स्टेशन रहेगा वो है कटरा। आप कटरा में उतर जाइए और वहीं से ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए, और उसके बाद आप फिर कटरा से ही बस लेके आप लोग कश्मीर पहुंच सकते हो। और अगर आप लोग 4-5 लोग आ रहे हो या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो उस केस में आप लोग टैक्सी भी कर सकते हो, और टैक्सी का जो फेयर होता है वो जनरली आपका 5,000 रुपये से लेके 8,000 या 9,000 रुपये तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी टैक्सी ले रहे हो और आप लोग कितने लोग हो। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी ये रेलवे स्टेशन है यहाँ से आपको श्रीनगर पहुँचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। तो आप लोग अपना ट्रिप इस तरीके से प्लान करना कि इन तीनों रेलवे स्टेशन में से किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप लोग मॉर्निंग तक आ जाओ, और फिर मॉर्निंग में आप लोग बस लेके और आप लोग 4 या 5 या हद से हद अगर लेट भी हुए तो शाम तक आप लोग श्रीनगर पहुंच जाओगे। अगर आप लोग अपना ट्रिप दिल्ली NCR से प्लान कर रहे हो तो आपको JKRTC की वॉल्वो बस मिल जाएगी सरायकाले खां और कश्मीरी गेट से। बस की जो टाइमिंग रहती है वो दोपहर में 1 बजे से आपको सरायकाले खां से मिल जाएगी और 1:30 बजे से आपको कश्मीरी गेट से बस जो है वो मिल जाएगी, और आप ये मान के चलो कि 20 से 22 घंटे लगते हैं और आप लोग फिर कश्मीर पहुंच जाओगे। और जो लोग अपने पर्सनल व्हीकल से प्लान कर रहे हैं आप लोग भी बहुत इजीली जा सकते हो, रोड कंडीशन वगैरह काफ़ी बढ़िया है, अब तो जम्मू का हाईवे वगैरह भी बहुत अच्छा बन गया है। सो गाइज, ये हो गई कश्मीर पहुंचने की बात। अब बात कर लेते हैं कि जब आप कश्मीर पहुंचोगे तो आपको होटल वगैरह कहाँ लेना चाहिए और आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर होटल की लोकेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको होटल लेना चाहिए वो है श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर वेल कनेक्टेड सिटी है और श्रीनगर में ही आपका एयरपोर्ट है और यहाँ पे आपको काफी सारे होटल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और अगर बात करें कि आपको श्रीनगर में होटल कहाँ लेना चाहिए तो श्रीनगर में फेमस है डल झील, तो डल झील के आसपास आप कहीं पर भी होटल ले सकते हो। और अगर आप लोग होटल डल झील के पास लेते हो तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं,
आपको टैक्सी वगैरह या ऑटो वगैरह इजीली मिल जाएंगी। डल झील के पास में काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, तो आप लोग उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। फूड के वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो डल झील जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप लोग श्रीनगर में होटल देख रहे हो। कश्मीर में जो होटल है वो थोड़े से आपको कॉस्टली मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 इस रेंज के होटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप लोग डल झील के पास ना लेके आप लोग डल झील में भी हाउस बोट ले सकते हो, और डल झील में आपको काफ़ी सारे हाउस बोट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें 2,000, 2,500, 4,000, 5,000 जिनमें आप रह सकते हो। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने जो होटल लिया था वो निषाद गार्डन के पास लिया था, और काफ़ी ब्यूटीफुल हमारी प्रॉपर्टी थी। हम लोग गए थे पैकेज के थ्रू, तो हमने अपना जो पैकेज है वो पूरा कस्टमाइज़ करवा लिया था, और खाना पीना भी होटल में काफ़ी बढ़िया था, और वहाँ से जो व्यू आता था वो भी बड़ा शानदार आता था। तो अगर आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे एजेंट है मैं उनका नंबर दे दूंगा, और वहाँ से आप जाके बुक करा सकते हो। तो गाइज ये हो गई होटल की बात। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ पर आपकी कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलती है। अगर आपका फ़ोन पोस्टपेड है तो ही वहाँ पर वर्क करेगा, और अगर प्रीपेड है तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो कोशिश ये करना कि फैमिली में कम से कम एक लोगों का पोस्टपेड हो, सो दैट कि आप जाओ तो एटलीस्ट आप जो अपने टैक्सी वाले हैं या ऑटो वाले हैं या होटल वाले हैं आप कम से कम उनसे कोऑर्डिनेट कर पाओ। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आप कश्मीर पहुँचोगे तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हो, और आपकी डे वाइज क्या आइटनरी होनी चाहिए। तो टोटल 4 प्लेसेस हैं जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मैक्सिमम टूरिस्ट इन 4 प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, और ये हैं सोनमर्ग, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम। बाकी अगर ऑफबीट की बात करें तो ऑफबीट में है दूधपत्री, गुरेज वैली, यूसमर्ग, तो ये सारी हैं ऑफबीट प्लेस। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने टाइम के लिए कश्मीर आ रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी जो है आइटनरी बना सकते हो और इन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डे 1 में आप लोग श्रीनगर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप लोगों को कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए श्रीनगर आना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर वेल कनेक्टेड है फ्रॉम ऑल दी सिटीज़। अगर बात करें कि श्रीनगर में कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हो, तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप लोग जा सकते हो शंकराचार्य टेम्पल। ये टेम्पल 1,000 फीट की ऊंचाई पर है, और शंकराचार्य टेम्पल से पूरे श्रीनगर का बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लोग जा सकते हो श्रीनगर के फेमस गार्डन्स में। श्रीनगर में काफ़ी सारे फेमस गार्डन हैं, जैसे कि टुलिप गार्डन, निषाद गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, मुगल गार्डन, चश्मे शाही। तो मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद आप इन सारे गार्डन में जा सकते हो, और यहाँ पे जाके आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये गार्डन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कश्मीर का ट्रिप अप्रैल में प्लान कर रहे हो, तो अप्रैल में 1 महीने के लिए तुलिप गार्डन खुलता है। तो ये जो गार्डन है ये मस्ट विजिट गार्डन है, आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि टुलिप का जो फूल आता है वो ओनली अप्रैल में आता है, और उसके बाद फिर आपको वो देखने के लिए पूरे साल नहीं मिलेगा। तो अप्रैल में अगर आप प्लान कर रहे हो तो टुलिप गार्डन आप लोग ज़रूर जाइएगा। बाकी इसके अलावा निषाद गार्डन जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, हम लोग वहाँ गए थे और हमें मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। और चश्मे शाही जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप लोग फिर इन गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइज अभी हम आ गए हैं परी महल, और परी महल में हम ले रहे हैं एंट्री। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का भी, और यहाँ की जो खास बात है ना वो ये है कि यहाँ से ना पूरी डल झील दिखती है। तो गाइज हमने वहाँ से एंट्री लिया था, और वहाँ से हम घूमते हुए पूरा व्यू इंजॉय करते हुए, और हम ऊपर स्टेयर से चढ़ गए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। और आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग 4 बजे तक जो भी आपको गार्डन्स घूमने हैं वो आप घूम लो, क्योंकि 4 बजे के बाद आप लोग चले जाइएगा शिकारा बोट राइड पे। शिकारा राइड पूरे श्रीनगर की फेमस बोट राइड है, और यहाँ पे अगर आप सनसेट के टाइम पे जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और डल झील के अंदर जब आप शिकारा राइड करोगे
तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लोटिंग एटीएम, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस एंड फ्लोटिंग मार्केट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और बहुत ज्यादा कोई इसका प्राइस भी नहीं है, 500-600 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे और आप जो है 3-4 लोग आराम से आप जो है राइड ले सकते हो। और शिकारा राइड करने के बाद आप लोग इवनिंग में डल झील के पास में बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के जॉइंट्स हैं, तो आप लोग अपना डिनर वगैरह कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डे वन की आइटनरी प्लान कर सकते हो। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जाओ शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल के बाद आप लोग जितने भी फेमस श्रीनगर में गार्डन्स हैं आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग कर सकते हो शिकारा राइड एंड देन इवनिंग में आप लोग मार्केट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डे टू की, और डे टू में आप लोग जा सकते हो श्रीनगर से गुलमर्ग। श्रीनगर से जो गुलमर्ग का डिस्टेंस है वो है अराउंड 50 किलोमीटर और आपको यहाँ पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। तो गाइस श्रीनगर जो है ना वो काइंड ऑफ प्लेन एरिया है, बस चारों तरफ माउंटेन्स है, लेकिन जब आप गुलमर्ग जाओगे तो वो प्रॉपर एक हिली एरिया है। और गुलमर्ग जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफी लश ग्रीन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर से आप गुलमर्ग जाओगे कैसे, तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। या तो आप सबसे पहले बस से जा सकते हो जिसमें आपका बहुत ही नॉमिनल रेट आएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है शेयरिंग टैक्सी, और उसका जो खर्चा आएगा वो अराउंड 300-400 रुपए आएगा, लेकिन आपको 2 से 3 बार वो चेंज करनी पड़ेगी। और ऑप्शन है पर्सनल टैक्सी, अगर आप लोग फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हो या फिर आप लोग ग्रुप में 3 से 4 लोग हो तो पर्सनल टैक्सी कर लो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और अगर बात करें टैक्सी के प्राइजेस की तो ये आपको 3,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए के बीच में आपको टैक्सी के जो प्राइजेस हैं वो पड़ेंगे आना और जाना। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कश्मीर लास्ट ईयर गया था और मैंने वहां पे ली थी क्वालिस, और मैंने टोटल 7 दिनों के लिए ली थी, और कश्मीर में क्या है सबसे ज्यादा क्वालिस चलती है, और अगर आप 6-7 दिन के लिए लोगे तो आपको थोड़ा सा जो रेट है कन्वीनियंट पड़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आप गुलमर्ग पहुंचोगे तो वहां पर आप कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गुलमर्ग लोग मेनली गोंडोला राइड के लिए जाते हैं और ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है, और गोंडोला राइड टोटल 2 फेज में होती है। पहले फेज में आप लोग जा सकते हो गुलमर्ग से कांगडूर, और कांगडूर की जो हाइट है वो है 8,500 फीट और आपको जाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको 700-800 रुपए पे करने पड़ेंगे, और ये जो प्राइस है ये 2-वे प्राइस है आना और जाने का। और सेकेंड फेज में आप लोग जा सकते हो कांगडूर टू अपरवाद पीक, और अपरवाद पीक की जो हाइट है वो है 13,000 फीट और इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 900 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक। तो गाइस थोड़ा सा मैं ना आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि पिछले साल से रेट थोड़े बढ़ गए हैं, पिछले साल हमने पे किए थे 740 रुपए और अभी सुनने में आ रहा है कि अराउंड 900 रुपए के आसपास वो हो गई है टिकट कांगडूर तक, और अपरवाद पीक तक आपको 900 या 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अभी हम आ गए हैं गोंडोला राइड के फर्स्ट फेज में, तो हमें जस्ट 10 से 15 मिनट लगा यहाँ पहुँचने में, और गाइस यहाँ का जो व्यू है ना मतलब वो आप भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर, काफ़ी अल्टीमेट व्यू है। आप लोग यहाँ से ज़रा नज़ारे चेक करो, यहाँ पे कितने घोड़े खड़े हैं, और ये ज़रा वादियाँ देखो यहाँ की, कितना लश ग्रीन फॉरेस्ट है। और गाइस फर्स्ट फेज़ जो है ना वो यहाँ पर है, और आप सेकेंड फेज़ देखो, सेकेंड फेज़ जो है ना वो गंडोला राइड ऊपर जाती है बिल्कुल, वो और फर्स्ट सेकेंड फेज़ आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट वो रहा सेकेंड फेज, ये रहा सेकेंड फेज। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम इतनी पीक पे या ऊंचाई पे जाके करेंगे क्या। जब आप ऊपर पहुंचोगे तो वहां पे काफी सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं जहां पे आप खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हो, और दोनों ही फेस से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही प्यारा आता है। और अगर आप समर में जाते हो तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मतलब आप टोटली आपको लगेगा कि आप बिल्कुल नेचर में आ गए हो, ना गाड़ी का शोर शराबा, ना ज्यादा भीड़ भाड़, ना कोई रश, और काफी रिलैक्सिंग होता है। अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हो तो आप लोग चिल वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग गुलमर्ग विंटर में आते हो तो यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही अलग होते हैं। समर में आओगे तो पूरा आपको ग्रीन दिखेगा, और अगर आप विंटर में आओगे तो पूरा गुलमर्ग आपको वाइट दिखेगा स्नो से, मतलब चारों तरफ जहाँ भी आप देखोगे आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। और उस टाइम पे लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी यहाँ पर
विंटर एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग। तो कश्मीर जो है आप लोग समर में भी आ सकते हो और साथ ही साथ आप लोग विंटर में भी आ सकते हो। और अगर आप लोग विंटर में आते हो तो गोंडोला राइड के अलावा गुलमर्ग में फेमस है ड्रंग वाटरफॉल, जो कि बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उस टाइम पर ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अगर आप विंटर में गुलमर्ग जाओ तो आप इसको जो है इंजॉय कर सकते हो। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार हम लोग श्रीनगर की जगह गुलमर्ग भी तो स्टे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग में जो होटल ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और आपको थोड़े कॉस्टली मिलेंगे एज कम्पेयर टू श्रीनगर। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि आप पहले श्रीनगर आओगे और वहां पे स्टे करोगे, फिर नेक्स्ट डे फिर अपना सामान वगैरह पैक करोगे, दोबारा गुलमर्ग आओगे और यहाँ स्टे करोगे, फिर थर्ड डे फिर आप सामान पैक करोगे और तीसरी जगह जाओगे, तो काफी ना ट्रिप में ना बड़ा हसल सा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपना जो स्टे है वो श्रीनगर में ही लो और जितनी भी जगह है वो आप टैक्सी से जाओ और घूम के वापस आप लोग श्रीनगर आ जाओ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में आप लोग जा सकते हो सोनमर्ग, और श्रीनगर से जो सोनमर्ग का डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर, और आपको सोनमर्ग पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि जब आप श्रीनगर से निकलोगे चाहे गुलमर्ग के लिए चाहे सोनमर्ग के लिए, ट्राई करना कि आप लोग अपना ब्रेकफास्ट यहाँ से करके ही निकलना, क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर बात करें कि जब आप सोनमर्ग पहुंचोगे तो वहां पे आप कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, तो सोनमर्ग में फेमस है थजीवास ग्लेशियर। अगर आप लोग मार्च या फिर अप्रैल में जाते हो तो आपको स्नो नीचे ही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हमारी तरह मई या जून में प्लान कर रहे हो तो आपको घोड़ा करके थजीवास ग्लेशियर के पास आप जा सकते हो, या फिर आप लोग नॉर्मली ट्रैक करके भी जा सकते हो, बट ट्रैक जो है वो काफी लंबा है 5 से 6 किलोमीटर, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका टाइम उसमें ज्यादा कंज्यूम हो जाए। भैया आप यहीं के हो ना जी? ये जो पूरी हिंदुस्तान की जनता है जी, वो देखेगी। बस बताओ कि हम यहाँ पर अगर सोनमर्ग आते हैं तो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं? देखिए सर, अगर आप सोनमर्ग आते हैं, सोनमर्ग भी देखने की जगह है थजीवास ग्लेशियर, ये साइड वाला, ये सामने वाला जी, ठीक है। यहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग बना, सत्ते पे सता शूटिंग बना, अच्छा राम तेरी गंगा मिली की शूटिंग हुई, अच्छा सब इसके पीछे बना है। जो लोग यहाँ मार्च अप्रैल में आता है उनको यहीं पे भरत मिल जाता है। अच्छा, उस टाइम यहाँ एक्टिविटी चलता है, स्नो बाइक चलता है, स्लेजिंग चलता है, ओके उस टाइम वही चलता है। और ये बताओ जैसे कि मान लो अगर हमें अभी तो यहाँ है नहीं बर्फ, तो अगर हम इसके पीछे जाएं नहीं, तो नहीं आज तो बर्फ कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा आज कहीं आज नहीं बर्फ कहीं नहीं, ऊंचाई पे है बर्फ लेकिन वहाँ तो कोई जा नहीं पाता है, वहाँ कोई नहीं आ पाया। नहीं वैसे अगर हमें जाना हो तो हम घोड़े से जा सकते हैं, वहाँ पर एक ही रास्ता है घोड़ा, एक ही रास्ता है, या फिर पैदल जा सकते हो, पैदल बट पैदल बहुत दूर है जी, 7 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर आना। और दूसरा भैया है 0 पॉइंट, 0 पॉइंट ठीक है, उसमें वो यहाँ से क्या है, वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहाँ पे भी बर्फ है, जोजिला पास है, ओके, वो सरबल है उनका नाम है, अच्छा गांव का नाम, वो कश्मीर का एंड विलेज आता है, अच्छा एंड विलेज जी, उसके बाद बालटल है, मतलब लास्ट विलेज ऑफ वो, लास्ट विलेज, ठीक है, उसके बाद आएगा कश्मीर एंड विलेज, हाँ उसके बाद आएगा बालटल जहाँ से अमरनाथ यात्रा, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, अच्छा, और उसके बाद आएगा जोजिला, जोजिला पास, उसके बाद आएगा 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, उसके बाद आएगा गुमरी, गुमरी जहाँ वार में, वार जहाँ पे कारगिल वार में। तो गाइस ये 5-6 प्लेस है जो आप अगर सोनमर्ग आते हो तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ कि जो गाड़ी आप श्रीनगर से करोगे वो आपको यहीं पर ही पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी, और यहाँ से जो गाड़ी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप ड्राइवर श्रीनगर से लेके आओगे ना उनको अलाउड नहीं है यहाँ से आगे जाना, तो यहाँ से आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, और उसका जो किराया है वो आपको पड़ेगा करीबन 4,000 के आसपास, क्योंकि इसमें 35 किलोमीटर आना होता है और 35 किलोमीटर जाना होता है, और कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं पूरा एक्सप्लोर करने में। और गाइज यही वो रूट है जो आपका ले और लद्दाख जाता है। तो जो लोग लद्दाख नहीं गए हैं उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सोनमर्ग से जा सकते हो कारगिल वॉर मेमोरियल तक, और वहाँ से आपको जो है काफ़ी बढ़िया जो है वहाँ का व्यू मिल जाएगा, और एक आपको वहाँ से लद्दाख वाइब जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे तरफ से ये मैंडेटरी है कि आप लोग अगर सोनमर्ग जाओ तो जोजिला पास वगैरह और 0 पॉइंट और कारगिल मेमोरियल आप लोग जरूर विजिट करना।
तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे फोर की। तो डे फोर में आप लोग जा सकते हो श्रीनगर से पहलगाम, और श्रीनगर से जो पहलगाम का डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर, और आपको पहलगाम पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो गाइज जब आप श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकलोगे तो रास्ते में आपको फेमस गांव पड़ेगा पेम्पोर, जो कि फेमस है अपने केसर के खेतों के लिए। तो आप लोग जब पहलगाम जाना तो रास्ते में खेत वगैरह जरूर देख के जाना, आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ हमने खड़ी करी है गाड़ी, और यहाँ से आप जरा नज़ारे देखो कितना शानदार लग रहा है पूरा कश्मीर। और ये जो हाईवे है ना, ये है जम्मू श्रीनगर हाईवे। वो जो आप माउंटेंस देख रहे हो ना, उसके जस्ट बैक साइड में पहलगाम है। और हम यहाँ रुके क्यों हैं, उसकी वजह है ये खेत। यही वो खेत है जहाँ पे केसर उगता है, और ये आप मिट्टी का कलर देख रहे हो, हल्की हल्की ना रेड सॉइल है ये। और इस साइड भी खेती होती है, और वो सामने जो देख रहे हो ना उस साइड भी पूरी खेती होती है। तो बशीर भाई ये बताओ कि ये जो केसर होती है ये कौन से महीने में, अगर किसी को आना हो देखने के लिए तो कौन से महीने में आएगा तो फूल दिखेंगे? अगस्त में होता है। अगस्त में, और अगर उसमें आए तो जुलाई में? जून जुलाई में नहीं होगा। नहीं होगा, अगस्त में ही। अगस्त में। और कौन से रंग का फूल होता है? ये पिंक कलर का होता है। अच्छा, पिंक कलर का फूल होता है। और जैसे ही थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप लोग केसर वगैरह खरीद सकते हो। और मेरी आप लोगों से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको अगर केसर खरीदना है तो आप लोग यहीं से खरीद लेना, और यहाँ पे जो केसर है वो आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल मिलेगा। अभी हम लोग रुके हैं, ये जो सारा एरिया देख रहे हो ना, ये सारे के सारी जगह केसर मिलता है। रेशी केसर मार्ट, वो नूर मोहम्मद, वहाँ पर भी केसर। तो ये सारी जगह ना केसर की मार्केट है। और जो खेत है ना वो पीछे है, जो अभी हमने दिखाए थे ना आपको, वो केसर के खेत थे। सो गाइज अभी हम आए थे केसर की दुकान पे, और भाई से मुलाकात हुई। भाई क्या नाम है आपका? मंजूर। मंजूर भाई से। और मंजूर भाई ये बता दो रेट वगैरह क्या है? केसर 2.5 लाख रुपए किलो, 1 ग्राम 250 रुपए। ठीक है, और आपके पास केसर के अलावा और क्या क्या मिलता है? टर्कुलेशन के लिए अच्छा रहता है, क्रैनबेरी यूरिन इन्फेक्शन के लिए अच्छा रहता है। ये मुनक्का है, ये किशमिश है, ये अखरूट है, फ्रेश इसी सीजन का है। और ब्लूबेरीज भी है, ये ब्लूबेरीज है, ये क्रैनबेरीज, ब्लैकबेरीज, पिस्ता, खुमानी, खुमानी जो आती है, खुमानी, ये है खुमानी, खुमानी। केसर वगैरह हमने ले लिया, शॉपिंग वगैरह कर ली। ऋषि केसर मार्ट यहीं से ही लेना आप। ये रही हमारी गाड़ी खड़ी, और अब हम निकलते हैं पहलगाम के लिए। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे और पहलगाम करीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर होगा, तो आपको रास्ते में बहुत बड़े एप्पल गार्डन दिखेंगे जहाँ पे आप लोग रुक के अपने हाथों से एप्पल तोड़ के खा सकते हो। सो गाइस अभी हम हैं एप्पल गार्डन में, और ये चारों तरफ एप्पल ही एप्पल। जहाँ भी नज़र घुमाओगे सिर्फ और सिर्फ एप्पल पाओगे। ये देखिए, बताओ यहाँ पे सेब जो है वो कौन से मंथ में आते हैं? और ये पूरा कितने किलोमीटर की है खेती? करीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर खेती खेते हैं? अच्छा, चौड़ाई में। और लंबाई में? लंबाई में तो बस ये 2 किलोमीटर 12 किलोमीटर। और इसमें क्या सेब की वो भी होती है, मतलब टाइप भी होती है? सेब के बहुत टाइप होते हैं, ग्रीन एप्पल होता है, रेड एप्पल होता है। अच्छा, बहुत सारे। यहाँ का कौन सा है यहाँ का जो फेमस होता है? अच्छा, रेड एप्पल फेमस है। ये काट काट के डाल दो भैया जूस। हैं, काट काट के डालते हो? अच्छा, बड़े को काट के डालते। कितने का आप होता है ये? 50 रुपये पर ग्लास। पर ग्लास होते हैं आपको? क्या क्या रेट है ये वाला? कितने रेट? 70 रुपीज़ ये वाला। हाँ जी। और वो सेम है? अच्छा, 70 लाए हो। तो आपको पहलगाम पहुंचने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप रुकते रुकाते शॉपिंग करते हुए आगे जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आप पहलगाम पहुंचोगे तो वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कश्मीर में आप लोग घूम सकते हो आरू वैली, बेताब वैली, बैसरन वैली, चंदनवारी, गौरी शंकर मंदिर, क्लब हाउस। और गाइस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पहलगाम जो है वो मेरी फेवरेट जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कश्मीर आने का, तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा कि आप कम से कम पहलगाम 2 दिन के लिए प्लान करना, क्योंकि पहलगाम में काफी कुछ है घूमने के लिए। लेकिन अगर इन केस आपके पास 2 दिन का टाइम नहीं है, आप एक ही दिन में एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो उस केस में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आरू वैली और बेताब वैली ये आप बिल्कुल मैंडेटरी है, ये दोनों आप घूम लेना।
ये पहलगाम की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है और इन सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको दोबारा से वहीं की लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप श्रीनगर से अपनी टैक्सी लेके आओगे तो कहीं पर भी, चाहे आप सोनमर्ग जाओ, गुलमर्ग जाओ, चाहे आप पहलगाम आओ, आपको आगे जाने के लिए या उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको दोबारा से लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ के जो टैक्सी के रेट है ना, वो बिल्कुल फिक्स है। अगर आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो आपको अराउंड 3,000 के आसपास पे करने पड़ेंगे। अगर आप आरू वैली या बेताब वैली ही एक्सप्लोर करते हो तो आई थिंक 1500-1600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा जगह घूमोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो पहलगाम में सबसे पहले हम लोग गए गौरी शंकर मंदिर, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल नियर बाय था। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं गौरी शंकर मंदिर और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये पहलगाम का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आरू वैली के। शमीर भाई, कौन सा गांव है ये? आरू गांव है। गाइस, वेलकम टू आरू वैली। देखो कितना सुंदर है ये, खुला मैदान है। तो आरू वैली घूमने के बाद हम लोग गए बेताब वैली। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं, सामने जो देख रहे हो ना, ये गेट है बेताब वैली का। तो यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री टिकट है 100 रुपए की। तो टिकट सो गाइस सामने देख रहे हो ना, यहाँ से हमने करी है एंट्री बेताब वैली की और ये कुछ ऐसा सा व्यू है। और अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसा है। गाइस, अभी हम वहाँ से आ रहे हैं और हमें जाना कहाँ है ये देख लो, ये हमें अंदर जाना है और यहाँ बगल में कैफ़े है, थोड़ी देर में जाएंगे अभी चाय कॉफ़ी पीने। सो गाइस, ये तो पूरी वैली है ना सामने, ये पूरी की पूरी बेताब वैली है। और ये वाला व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाओ, दिस इज़ रियल कश्मीर। ये देखो व्यू कितना शानदार व्यू है और यहाँ से भी व्यू देखो। और यहाँ पे कुछ लोग ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हेलो, मैं एक कश्मीरी वाला स्टाइल में फ़ोटो खिंचाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कहीं भी गई हूँ मैंने कभी ट्रेडिशनल वेयर में कोई फ़ोटो खिंचाई नहीं, बट यहाँ देख के मेरा मन कर गया बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ड्रेस। तो बेताब वैली जो है ना, वो है पहलगाम की जान और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हो तो पहलगाम मिस मत करना, और अगर पहलगाम आ रहे हो तो बेताब वैली मिस मत करना। और बेताब वैली के बाद आप लोग जा सकते हो चंदनवारी। चंदनवारी वो जगह है जहां से बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो आप लोग वहां जा सकते हो। और थोड़ा सा आप ट्रैक करके चाहो तो आप थोड़ी दूर पे भी जा सकते हो और फोटो वगैरह वहां पे क्लिक करा सकते हो। उसके बाद जब आप वापस पहलगाम की तरफ आओगे तो पहलगाम से थोड़ी दूर पहले आपको पड़ेगा जू। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप लोग जू एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, जैसे कि टीटी वगैरह, स्नूकर वगैरह अगर खेलना पसंद है, तो आप लोग जा सकते हो पहलगाम के क्लब हाउस में। और काफ़ी बढ़िया ये बना हुआ है और क्लब हाउस के बैक साइड से जो लिद्दर रिवर है उसका जो व्यू आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो गाइज, ये हो गई पूरी हमारी आइटनरी कि आप लोग कश्मीर में क्या घूम सकते हो। अगर बात करें कि आप मोर देन 5 या 6 डेज के लिए आ रहे हो तो आप लोग उस केस में गुरेज वैली जा सकते हो, या फिर आप लोग यूसमर्ग जा सकते हो, या दूधपत्री जा सकते हो। अगर बात करें क्लोदिंग की, तो आप कभी भी कश्मीर आओगे आप गर्म कपड़े लेके आना, क्योंकि हो सकता है कि आपको दोपहर में तो जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन सुबह शाम जो है वो काफ़ी मतलब ठंडा रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कश्मीर आने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होगा। वैसे तो गाइज, इंडिया में बहुत कम प्लेस है जहां पर आप पूरे साल जा सकते हो और उन्हीं में से एक जो है वो कश्मीर है। आप विंटर में भी जा सकते हो, समर में भी जा सकते हो, और ऑटम में भी जा सकते हो, स्प्रिंग सीजन में भी जा सकते हो। लेकिन अगर उसमें से भी हम बात करें कि भाई कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग विंटर में जा रहे हो फॉर स्नो एक्टिविटीज़ या फिर स्नोफॉल देखने के लिए, तो जनवरी एंड फरवरी जो है वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। और इसमें 100% आपको स्नो भी मिलेगी, स्नोफॉल भी मिलेगा, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको।
और आप लोग अगर समर में जाने का प्लान कर रहे हो तो अप्रैल मई एंड जून इज द बेस्ट टाइम टू गो। और इसमें से जो है वो अप्रैल सबसे बेस्ट मंथ है क्योंकि वहाँ उसमें ट्यूलिप फेस्टिवल होता है और आप उसमें भी टेक पार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी मुद्दे पे कि भैया कश्मीर घूमने में आप लोगों का क्या बजट आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गया था कश्मीर 6 दिनों के लिए, तो हमारा जो खर्चा हुआ था वो अराउंड 80,000 के आसपास हुआ था 4 लोगों का। तो इस हिसाब से आपके 20,000 रुपये लगेंगे अगर आप लोग 6 से 7 दिन के लिए कश्मीर आते हो बाय फ्लाइट। इसमें हमारे जो फ्लाइट का खर्चा है वो सबसे बड़ा था, जो अराउंड 8,000 रुपये की हमारी फ़्लाइट थी। अगर मैं फ़्लाइट हटा दूँ तो आप मान के चलो कि 12,000 रुपये लगेंगे अगर आप 5 या 6 दिन के लिए कश्मीर आते हो। तो इस हिसाब से 2,000 रुपये आप पर डे मान के चलो कि अगर आप 4 दिन के लिए आते हो तो आपका 8 से 9,000 रुपये खर्चा होगा। अगर आप लोग 5 दिन के लिए आते हो तो आपका 10 से 12,000 रुपये खर्चा होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना बजट का थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो कश्मीर है ना वो कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ के जो रेट्स वगैरह हैं थोड़े से हाई रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने हिमाचल के जो माउंटेंस हैं और जो उत्तराखंड के माउंटेंस हैं, तो थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन उतनी तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आप लोग धरती का स्वर्ग देखना चाहते हो। तो बाकी अगर आप लोग कश्मीर का पैकेज चाहते हो और अच्छे होटल्स वगैरह के ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाएं या फिर प्रॉपर टैक्सी ड्राइवर वगैरह के साथ आपको प्रॉपर पूरा पैकेज हो, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रखा है। आप वहां जाके कॉल कर लो एजेंट को और वो आपका पूरा पैकेज जो है बना के आपको दे देंगे। नहीं तो आप लोग खुद भी जा सकते हो और मैंने वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।